अपना साउथ जोन डी सी साहब का सदारत में जो सोशल ईविल्स है, मतलब ये है जादूगर रहिंदो यानी तो सूदखोर रहिंदो सट्टा मट्टा गैम्बलिंग और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों से जो काम ले रहा है, ये लोगों के ऊपर हम दावा डालना शुरू करें। ये सिलसिला में फरवरी में भी 18 तारीख को ये जादूगरों के ऊपर दावा डाल के 6 लोगों को अरेस्ट करें हम। वही सिलसिला में आज सैयद महराज हुसैन को भी अरेस्ट करना करें हम। ये सैयद महराज हुसैन जो है लोगों का बीमारियों को, लोगों का जज्मानी बीमारियों को, कमजोर को इन्हों फायदा उठाना चाह रहे थे, फायदा उठा रहे थे इन्हों। लोगों से मेरा पास कुदरत की ताकत है, मैं कम करा तुम बोल के लोगों से हजारों रुपए लूट ले रहे थे उन्हों, और उन लोगों को दिमाग ही कमजोर कर रहे थे। ये मेरा पास इलाज नहीं करे तो ये बीमारी बढ़ के मौत भी हो सकता बोल के वो लोग डरा रहे थे उन्हों। ऐसे आदमी को हम कस्टडी में लिए, इसके ऊपर ऑलरेडी 2 केस साउथ जोन में रजिस्टर हो गया था। एक केस शालेबंडे में हुआ, एक औरत शालेबंडे में रहने वाला औरत मुनवर निसा बेगम कंप्लेंट दिए, उनको जरा बीमारी आने से इलाज के लिए ये महराज उन्नीस का महराज हुसैन का गए तो उन्होंने हजारों रुपए लूट लिया, मगर उनका बीमारी कम नहीं हो बोल के कंप्लेंट दिए, उसके ऊपर एक केस रजिस्टर हुआ। साथ साथ में अहमदी बेगम बोल के किलवत में रहने वाला उन्होंने भी हुसैन आलम में एक कंप्लेंट दिए, उनका बेटा सैयद यूसफ को तबीयत ठीक रहने से ये महराज हुसैन का गए तो उन्होंने भी ये औरत से हजारों रुपए लूट लिया, मगर सैयद यूसफ को बीमारी कम नहीं हुआ। ये 2 केस रजिस्टर हुआ, ये 2 केस के ऊपर उसको अरेस्ट करके आज उसका ने से बहुत सारे आर्टिकल्स उसका ने सीज करके आज कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे हम। साउथ जोन पब्लिक से पुलिस की तरफ से हम ये कुछ चीज़ें ये कर रहे हैं। ये जादूगरों के पास कुछ भी कुदरत की ताकत नहीं है, वो लोगों से कुछ भी नहीं होता, लिहाजा आप लोग अपना अपना तरीक़े से वो लोग कम करने के लिए सही डॉक्टर के पास ले जाने के लिए हम वो लोगों से अदबन गुजारिश कर रहे हम। लिहाजा ऐसी अपना दिमाग की बीमारी हो जाता है, पैसा लूट लेता है लोग, मगर कुछ भी अपना को हासिल नहीं होता।